हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं शैंकी भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी पेपर वन की कुछ स्ट्रेटजी। अभी जून के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं, जिनकी आंसर की आई है, उनका क्या लेवल है, उनका एनालिसिस क्या कहता है, जो TCS ने लिए हैं और जो DSSSB के स्टूडेंट्स रिव्यूज़ हैं वो क्या है, क्योंकि अभी तक उनकी आंसर की नहीं आई है, तो स्टूडेंट रिव्यूज़ क्या है सब्जेक्ट वाइज, वो सारी डिटेल में अभी फटाफट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो देखिए सिलेक्शन पेपर वन से होना ही है, तो पेपर वन की तैयारी अच्छी करनी है हमें। 275-280 स्कोर आपको जरूर करना है पेपर वन के अंदर, और पेपर टू के लिए तो हम बैठे हैं आपकी आपका सिलेक्शन कराने के लिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। तो पेपर वन का जो आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो जो आपको नई चीज देखने को मिलती है, अगर रीजनिंग में मैं बताऊं, देखो बिल्कुल स्ट्रिक टू द पॉइंट बात करूंगा, इधर उधर की बात करनी ही नहीं है। जो चीज नई और इम्पोर्टेंट है, अपडेटेड है, जो मैंने पहले नहीं गाइड किया है, सिर्फ वही चीजें मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला। कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे GS के अंदर बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन आया था, सर मनोहर लाल पांडे जो आपने छोटी सी 40 रुपए वाली बुक कराई थी, क्या वो मोर देन सफिशियंट है? देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होता है, स्मार्ट स्ट्रेटजी प्ले करनी होती है। सबसे पहले हमें उस लेवल पे करना है कि 40 वाली जो बुक, अब बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट के पास पास 6-6, 7-7 पेजेज है, उसको कर लिए 2-3 बार, ठीक है। फिर हम उसका सेकेंड लेवल पे पहुंचते हैं, जो 70-80 रुपए की आती है, 100 रुपए की आती है, ठीक है, उसको 2-3 बार करते हैं, फिर उसका तीसरे लेवल पे जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए चलते हैं। और 100 रुपए वाली अगर आपने 100-120 की जो आती है वो उस लेवल तक अगर पहुंच गए, तो आपका मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। और स्पीडी जो मैंने आपको बताई है, करंट अफेयर की एनुअल आती है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स के हैं, अवार्ड्स के हैं, ओनर्स के हैं, अपॉइंटमेंट्स है, भाई CM है, राज्यपाल है, बुक्स एंड ऑथर है, डेज एंड थीम है, इंडेक्सेस है, मतलब जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग में दे रखे हैं, उनमें से कुछ कुछ को छोड़ना होता है, और चीजें काफी आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, ठीक है। कोई एक आधा, देखो एम्बेसडर की बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उसमें एक आधा करना होता है। तो फिलहाल अभी से अगर करंट अफेयर की बात करूँ, तो जून का एग्जाम एनालिसिस बताता है कि लास्ट सेप्टेम्बर तक का भी करंट अफेयर पूछा गया है, तो भाई समझ सकते हो फिर लगभग 9-10 महीने का करंट अफेयर हो गया आपका, ठीक है। तो 9-10 महीने का करंट अफेयर लेके चलना कि आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो अभी कंटिन्यूसली GK की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो लूसेंट का मिसलेनियस पोर्शन है, 80-82 टॉपिक्स जो होते हैं उनको जरूर करके जाएं, ठीक है। स्पीडी के जो मैंने आपको बता रखी है करंट अफेयर की, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जरूर करके जाएं, ठीक है। अब क्या क्या एग्जैक्ट बताने, क्योंकि पूरा का पूरा ना एनालिसिस मैंने 6 पेजेस पे एनालिसिस किया है, ठीक है, तब मैं जाके आपको बस वही बता रहा हूँ जो आपको करनी है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि भाई आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, डांस फेस्टिवल्स, डांस की फॉर्म के अंदर भी पूछ लिया कि भरतनाट्यम की कौन सी फॉर्म है ये, ठीक है, क्लासिकल डांस वगैरह, मतलब बहुत डिटेल में चीजें पूछी गई हैं, फर्स्ट मेल फर्स्ट इन थिंग ऐसी चीजें, तो वो सारी चीजें लूसेंट मिसलेनियस से कवर हो जाएंगी, ठीक है। और बात करें जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो पॉलिटी के अंदर जो अब हर एक चीज आप स्किप नहीं कर सकते हो, सारी चीज आपको करनी है। आपको फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में अच्छे से याद करना है, DPSP को याद करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ये तो पार्ट्स हैं, ये तो करने हैं ही, साथ में और जो आपके बेसिक बेसिक चीजें वो सारी चीजें करनी है, चाहे वो पार्लियामेंट है आपकी, वो उसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। उस देखो मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में अभी आए हैं, ठीक है। अपनी तरफ से मैं एक सिंगल चीज भी ऐड नहीं करता, एग्जैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो आया है वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको पॉलिटी के लिए अंदर करनी है, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री की जैसे टेबल से बेसिक बेसिक चीजें पूछी गई है, अगर आप वो कर दो लेवल भी आप मनोहर लाल पांडे का कवर कर लेते हो, दो लेवल की बुक्स भी, तो क्योंकि हमें ना थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए होती है, ये अनसर्टेन है बहुत ज्यादा चीज है, तो पहले वो 40 वाली कर ली, 30-40 वाली 2-3 बार अच्छे से, फिर उसके बाद उसका सेकेंड लेवल आता है, वो कई लेवल्स में आती है वो बुक, ठीक है। सेकंड लेवल को 3-4 बार करो, और साथ में स्पीडी को करो, लूसेंट का मिसलेनियस करो, लूसेंट की टेबल्स कर लो, मोर देन सफिशियंट है। 20 में से 12 से 14 नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप करंट अफेयर भी अच्छे करके जाते हैं तो, और ये मोर देन सफिशियंट है GS के अंदर स्कोर करने के लिए। तो GS की चीजें होंगी,
ठीक है, और साइंस भी ऐसे डिटेल में पूछी गई है जैसे आपका एनसीईआरटी आपने पढ़ी हो इस तरह से, ठीक है। जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी ये समझ लीजिए, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी जो क्वेश्चन है, वो थ्योरेटिकल मतलब जो एनसीईआरटी बेस्ड पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो सिर्फ फैक्ट फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसमें से आप जो सेकंड लेवल पे जाओगे उसमें काफ़ी चीज़ें होप सो कवर हो जाएंगी, और लूसेंट उठा ली उसको आप रिपीट ही नहीं कर पाओगे पूरी को, तो फ़ायदा भी क्या है, ठीक है, क्योंकि लूसेंट का छोटा पार्ट नहीं आता है कोई, इसलिए मैंने मनोहर लाल पांडे को आपको सजेस्ट किया है। कदम से कदम आगे बढ़ाओगे तब बात बनेगी। ओके, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देयर इज नथिंग न्यू, और इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, जो वकैब अगर आपने कर रखी है नीतू सिंह को फॉलो कर रखा है, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू को मोर एनएफ है, या कोई भी आप टीचर से फॉलो करते हो, बट बुक जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों से बात होती है मेरी, वो कहते हैं उनके पास वकैब की बुक ही नहीं है, सिर्फ वीडियोस देखते हैं। भाई रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका वकैब का रिवीजन आपका होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, ठीक है। तो बुक जरूर होनी चाहिए और प्रैक्टिस सेट की बुक होनी चाहिए तो अच्छा है, ठीक है। बुक से जल्दी रिवीजन हो पाती है, बुक जरूर ले लिया करो, ठीक है, बिना बुक के बात नहीं बनती है। ओके, और इंग्लिश में ऐसा कुछ नया नहीं था, प्रीवियस ईयर पेपर्स बेस्ड आपकी वकैब आई हुई है, और देर इज नथिंग न्यू एक्चुअली, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर वो सिलोलिज्म लवी सर ने करा रखा है, आप वो देख सकते हो, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है। अगर आप सिलोलिज्म जो लवी सर ने करा रखा है वो देख लोगे तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं हटकेगा, इस बात की गारंटी मेरी, ठीक है, 100% गारंटी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जरूर करके जाए, इसमें और ऐसा कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था जो स्पेशल, देखो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जो लेंथी होता है काफी, तो उसको हमें स्किप भी करना है, 20 के बीच हमें स्कोर नहीं करना होता, 17-18 कर लिए विद इन टाइम कर लिए, वो मोर देन सफिशियंट है, आगे चले, हमें टाइम बचाना है आगे के लिए, है ना। और ये रीजनिंग की थी। अगर मैथ्स की बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन मतलब नंबर सिस्टम वाला पोर्शन, सिंप्लीफिकेशन वाला नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो उस पर ध्यान रखें। अर्थमेटिक ही आपका मैक्सिमम है क्योंकि मेंसुरेशन ही है एडवांस मैथमेटिक्स में से, और उस चीज़ को स्किप करें जो आपका सिलेबस में नहीं है। अगर डी ट्रिपल एस बी का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी और डी ट्रिपल एस बी दोनों के लिए दे रहे हैं तो इट्स ओके, आप कंप्लीट एसएससी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सिलेबस को जो भी है। तो फॉर्मल टीचिंग एग्जाम्स की डी ट्रिपल एस बी की बात करूँ तो उसमें यही है कि आपका अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा है, सिर्फ एडवांस में से मेंसुरेशन वो भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस वो भी लवी सर ने करा रखा है, आप वो फॉलो करोगे आपको बहुत फायदा होगा, जेन्युइनली फायदा होगा, ठीक है। मैं वही चीज़ आपको गाइड करता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, तो आप लवी मैथ्स को आप फॉलो कर सकते हैं और मैथ्स के लिए। और रीजनिंग हो गई, अब जीके इंग्लिश, हिंदी बची है। हिंदी के लिए आप वही लूसेंट मोर देन सफिशियंट आपके लिए, अगर आप लूसेंट कर लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो टॉपिक्स हैं वो वही आपको करने हैं। और अभी जो जुलाई की, जुलाई के अंदर आएंगी आंसर की जो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने एनालिसिस बताया इसमें कुछ एस एस सी की आंसर कीज हैं जो जून में एग्जाम हुए हैं, और जो वो रिजल्ट फीडबैक बताया है जो डी ट्रिपल एस बी के स्टूडेंट्स ने, नॉन टीचिंग एग्जाम्स की जो एग्जाम हो रहे हैं उनका जो रिव्यू है, वो सारी चीज़ का मैंने रिव्यू आपको अभी बताया है। अभी जो आने वाले आपके एग्जाम से पहले मैं जो आंसर के आते जाएंगे उनके बेस पे मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या क्या आपको अपडेट करना है। अब जैसे जी एस के अंदर योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर जो मैंने आपको बता दिया ना, जैसे स्पीडी बता दिया उसमें सारी चीज़ कवर हो गई, ठीक है, और मनोहर लाल पांडे के दो लेवल बता दिए उसमें सारी चीज़ कवर हो गई। ओके, तो इस तरह से लूसेंट का मिसलेनियस बता दिया, तो वो एक एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके ही मैंने आपको फीडबैक बताया। तो इस तरह से आप पेपर वन की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए, और अपना एक टाइम मैनेजमेंट के लिए हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर तो मैं आपको सिखाऊंगा जैसे ही आपका एग्जाम पास में होगा, कि कैसे एक हो सकता तो पेपर अटेम्प्ट भी करके दिखा दूँ कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो कल आपसे मुलाकात होगी मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है उसके साथ, और विद प्रैक्टिस के साथ कोशिश करूंगा कि विद प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ आपकी तैयारी के लिए बहुत बेटर कंटेंट ले पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं आपसे।